फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, मैं उसमें देख रहा हूँ। और इसमें एक SIT बनी है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं, उसमें कार्रवाई चल भी रही है। और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है इसमें लोग जो भी नेम्ड है या जो जिनके खिलाफ साक्ष्य मिल रहे हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर कठोर कार्रवाई सभी के खिलाफ की जाएगी, सबको देखने को भी मिलेगा। मुख्य आरोप का सर कब तक पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? अब ये कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन है, कोई हम इसमें टाइम बाउंड किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में पुलिस का मोरल डाउन नहीं होने दिया जाएगा। और जहाँ तक ये घटना है, इसमें भी जितने लोग हैं सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की, क्योंकि जो भी दोषी हैं वो सब हमारे टारगेट पे। बुलंदशहर में जिस तरह से 3 दिसंबर को यहाँ पूरी घटना हुई, उसके बाद से अभी तक भी चिंद्रावटी चौकी के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां खौफ कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा सकता है। यही वजह है कि ये जो मेरे पीछे आप गांव देख रहे हैं, ये जीतू फौजी का गांव है। और यहां सिर्फ या तो नन्हे बच्चे देखे जा सकते हैं या फिर बुजुर्ग और रुग्ण महिला और पुरुष। कहीं ना कहीं इनमें एक खौफ है, और जिसके वजह से जो युवा हैं वो पूरी तरह से गांव से बाहर हैं। कई घरों में तो यहाँ ताला भी देखा जा सकता है। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।